दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बिरयानी और फ्राइड राइस है ये आ चुका है टेबल पे। बिल्कुल इसमें समझ लीजिए कि आप स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। बिरयानी अगर हम बात करें तो बिरयानी में मसाला बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। एक बार हमारे बिरयानी कैफे में आइए। दोस्तों स्वागत है एक और कमाल और फ्रेश की वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको फिर एक डिफरेंट कॉन्टेंट मिलेगा। आज हम लोग आए हैं एक न्यूली ओपन बिरयानी कैफे में और यहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे आज बिरयानी। उसके बाद क्या क्या इनके मेन्यू में है, क्या प्राइस है, क्या टेस्ट है, एक एक चीज़ें आप सभी को खाने के बाद रिव्यू देंगे। ठीक है, खाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे खाना वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, और लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ये भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। तो वीडियो अगर आप लोग फेसबुक पे पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तिनसुकिया का जो फूड सेक्टर है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए। और वीडियो को लाइक भी करना, साथ ही अगर यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैफे के अंदर और इनका जो दो फ्लोर पे है यानी कि ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है, इसी वजह से ऊपर भी इन्होंने कर रखा है। तो छोटा मोटा किसी को बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऊपर भी हम लोग चल के एक बार आप लोगों को दिखाएंगे। जब तक हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर जब तक प्रिपेयर होता है, एक बार ऊपर का जो सेक्शन है वो दिखाते हैं और यहाँ पर इनका काउंटर मिल जाता है। तो एंड में आपको ऑनर से भी मिलवाएंगे, वो बताएंगे यहाँ का एड्रेस वगैरह क्या है। और बिल्कुल नया ओपन हुआ है, आई थिंक एक महीना करीब हुआ है इसको ओपन हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर मैं रिव्यू अच्छा देता हूँ तो आप लोग ज़रूर विजिट करना। तो एक बार ही चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग ऊपर ले चल के आपको दिखाते हैं ऊपर का जो इनका स्पेस है वो कितना है। और मेरे ख्याल से ये जो स्पेस है काफ़ी बढ़िया लग रहा है और नीचे से ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे तीन टेबल इनका लगा हुआ है और अगर आप लोगों को टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है तो आई थिंक ये बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऊपर का स्पेस आप लोग देखिए, यहाँ पे एक इनका वॉश बेसिन मिल जाता है और साथ ही गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट अब तो ठंडी का सीज़न आने वाला है क्योंकि इनका बस एसी नहीं लगाया अभी, हो सकता है आगे लगाएं तो नहीं पता। और यहाँ पे अच्छे अच्छे कुछ लाइंस लिखे हैं, टेबल भी इधर है और यहाँ से जो इनका बाहर का सीन दिखता है बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है तो एक क्वालिटी टाइम आप यहाँ से थोड़ा सा साइलेंटली हो जाता है क्योंकि रोड से थोड़ा अंदर है ठीक है ना। तो एड्रेस भी एंड में आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। और यहाँ पे भी हम लोग का जो ऑर्डर किया हम लोगों ने वो आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे, खाएंगे कैसा टेस्ट है ये भी बताएंगे ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो अब मिलते हैं सीधे खाना आने के बाद। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बिरयानी और फ्राइड राइस है ये आ चुका है टेबल पे, अब बस रह गया टेस्ट करना। देखिए ये वन बिरयानी कैफे इसका नाम है ठीक है, बिरयानी कैफे है, इस वजह से हम लोग ने बिरयानी ऑर्डर तो किया है बट बिरयानी हम लोग अभी टेस्ट नहीं करेंगे। रीज़न इज डैट कि हमें अभी नॉनवेज नहीं खाना है, पूजा आ गया सामने, तो हम लोग यहाँ पे पनीर फ्राइड राइस ऑर्डर किया ये हम लोग टेस्ट करेंगे। तो और इसका फ्लेवर तो काफ़ी गजब का है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट फिर भी अभी हम लोग ये टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये अगर अच्छा लगा तो आई थिंक ये भी सही लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पनीर फ्राइड राइस जो है ये टेस्ट करते हैं और ये जो है हम लोग अभी नॉनवेज नहीं खाएंगे। अगर हम लोग को ये अगर अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से कभी विजिट करेंगे तब चिकन बिरयानी ट्राई करेंगे, तो उस टाइम आप लोगों को चिकन बिरयानी का रिव्यू एकदम जेन्युइन देंगे। और प्राइस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगा, आप लोग फर्स्ट टाइम मतलब आ सकते हो। अभी सबसे पहले टेस्ट करने रुको, बिल्कुल इसमें समझ लीजिए कि आप स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसमें मतलब तीखापन नहीं है, तो एक मतलब बढ़िया है। समझ लीजिए कि अगर आप लोग लो स्पाइसी खाते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आप लोग पसंद करते हो तो यहाँ पे स्पाइस का बहुत कम इस्तेमाल किया गया। लेकिन बिरयानी अगर हम बात करें तो बिरयानी में मसाला बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, तो ये स्पाइसी होगा 100%। लेकिन जो पनीर फ्राइड राइस है ये स्पाइसी उतना नहीं है, तो काफ़ी अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा है। फिर एक बाइट और लेते हैं पनीर के साथ ठीक है, पनीर के साथ एक बाइट लेते हैं। अच्छा है, वो उनके जो पनीर है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट है बिल्कुल, तो अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली। ये जो फ्राइड राइस है काफ़ी अच्छा लगा और बिरयानी का तो रंगत देख के अच्छा लग रहा है, बट ये नेक्स्ट टाइम कभी फिर से ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग फटाफट से खाते हैं, यहाँ पे चटनी भी हमें मिला है ठीक है, यहाँ पे चटनी भी है, चटनी गजब का तीखा है, इसमें मिर्चा बहुत है बट टेस्टी है, इतना टेस्टी लगा कि फिर से कैमरा चालू करना पड़ा। एक चीज़ और बताने के लिए, यहाँ पे जो चटनी सर्व किया ना ये इसके साथ मैश करके गजब का लग रहा है, ये अगर मिक्स कर लेते चटनी और जो राइस है तो ये जो मैंने बोला था ना थोड़ा सा स्पाइसी कम है तो वो चीज़ ये फिलअप कर दे रहा है, मतलब गजब वाला टेस्ट यार, आउटस्टैंडिंग सही बताना है, चटनी के साथ गजब लग रहा है।
जो नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया वाला गजब वाला रेटिंग दे सकते हैं हम, 4.5 out of 4.5 मिल सकता है इसका, ठीक है ना। तो खाते फटाफट नीचे एक बार चल के ऑनर से बात करते हैं लोकेशन वगैरह के बारे में। दोस्तों अब हम लोग खा के नीचे आ चुके हैं और जैसे इनका कैफ़े का नाम है बिल्कुल खाना भी वैसा ही है, नाम है A1। तो वाकई में बता रहा हूं आपको खाने के बाद भी A1 वाला क्वालिटी फील हुआ, ठीक है। तो एक बार इनसे बात करते हैं। और ये कैफ़े ओपन हुआ शायद 1 महीना करीब हुआ ना, 1 month करीब इसका ओपन हुआ हो गया। और अगर एड्रेस की हम बात करें तो एड्रेस ये GNB रोड में है, सिटी हॉस्पिटल पार करोगे तो थोड़ा सा आगे आओगे तो मिल जाएगा। आई थिंक अगर आप पुलिस पॉइंट के साइड से आ रहे हो, थाना चारली के साइड से अगर आ रहे हो तो आपको सबसे पहले सिटी हॉस्पिटल मिलेगा। उसके बाद 20-50 कदम अगर आगे आओगे आप लोग तो राइट साइड में एक गली मिलता है, उस गली के अंदर घुसोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इनका एक छोटा सा आउटलेट जो है इन्होंने रोड पे भी लगा रखा है एडवर्टीजमेंट के लिए, ताकि लोगों को पता चले। और अगर आप तिनकोनिया साइड से आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा ये पहले ही, यानी कि जो रिलायंस ट्रेंड है उसको पार होने के बाद। और इनका मेनू का अगर बात करें तो देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव सा मेनू भी है। मेनू में मतलब प्राइस तो हमें अच्छा लगा, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कम है प्राइस, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस रखा है। तो अभी एक बार ऑनर को देते हैं, वो क्या बताते हैं आप लोगों को एक बार सुनिए उनके बात। एक बार हमारे बिरयानी कैफ़े में आइए और आके टेस्ट कीजिए, अगर टेस्ट लगे तो दोबारा आप लोग आइएगा। न्यूली ओपन किए हैं, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को एक बार जरूर से विजिट करिए, अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर रिपीट आओगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग एक बार आओगे तो ज़रूर दोबारा भी आओगे। तो हम लोग छठ पूजा के बाद एक बार विजिट करेंगे चिकन बिरयानी टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगे, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करना। यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।